नमस्कार, क्राइम सस्पेंस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कमर खान। हेलो, बलिया गोली कांड का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र साहू सिंह इस वक्त सीजीएम न्यायालय से बाहर निकल रहा है और यहाँ से पूरी प्रक्रिया करने के बाद में उसको जेल ले जा रहा है। धीरेन्द्र क्या कहोगे, अपने बताना चाहोगे? जी, आपका परिचय? मेरा नाम हरिवंश सिंह है, मैं पूर्व क्रिमिनल बार अध्यक्ष हूँ एसोसिएशन बलिया का। आज क्या आप धीरेन्द्र सिंह के तरफ से उनका वो कर रहे हैं? अच्छा है कि धीरेन्द्र सिंह का रिमांड बना है, 67 का रिमांड बना है, 14 दिन की जेल हिरासत में गए। क्या कुछ हुआ इस पूरे प्रकरण में? आज केवल रिमांड बना है और जेल गए हैं। अब उसके बाद क्या, यदि रिमांड की दरखास्त आती है तो पुनः जेल से तलब होकर आएंगे और रिमांड पर यदि मांगेगी तो दे भी सकते हैं सीएम साहब, नहीं भी दे सकते हैं। क्या धाराएं लगी हैं? धाराएं 302 मुख्य है उसमें, और छोटी छोटी दफाएं 127, 148, 149 सिविल क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट लगा हुआ है। वकील साहब, आगे का क्या निर्णय होगा? आगे ऐसा है कि यहाँ पे दरखास्त पड़ेगी सीएम साहब की है, इनका जुरिडिक्शन नहीं है, खारिज कर देंगे। उसके बाद जिला जज के दाखिल होगा, वहाँ बेल पे बहस होगा, जो होना होगा वहीं होगा। आपको इस पूरे केस में क्या लगता है? आप तो इसमें ऐसा है कि मामला बहुत गंभीर है और मीडिया ट्रायल है, इसलिए जो है यहाँ से बेल होने की संभावना है कम। ऐसा है अखिलेश यादव जी, यदि इस तरह की घटना तुम्हारे सपा के राज में हुई होती, वहीं पर हेमंतपुर गांव एक है, हेमंतपुर गांव में जोगेंद्र सिंह को जो है होली के दिन गोली से मार दिया, जो है प्रमोद यादव गोली से मार दिया और कोई पुलिस पूछने तक नहीं गई। कोई पुलिस जोगेंद्र सिंह को गोली से मार दिया, वो बैंक के मैनेजर थे, दामाद था, वहां का ससुराल में गया था और मार दिया और कोई पूछने वाला भी नहीं मिला। FIR फिर हम लोग लड़ करके, कोर्ट से लड़ करके फिर कराए, तो फिर जो भी हुआ हुआ संविधान, लेकिन सरकार कोई काम नहीं करी। ऐसे अखिलेश जी यदि तुमको यदि हाया हो तो उस घटना को याद करके अपने बेहयाई पर शर्म करो, निंदा करो। और टकरसन में जो है साधु सिंह की हत्या हो गई, उस समय साधु सिंह की हत्या हो गई, कोई यादव कर दिया, खुलेआम गोली मार दिया, तो उस समय जो है अखिलेश जी ट्वीट करने के लिए फुर्सत नहीं थी। तो यदि तुमको यादव प्रिय है तो सुरेंद्र सिंह को भी छत्री प्रिय है, इसलिए छत्री बालक जरूरत होगा तो राजनीति भी छोड़ सकता। आप दीजिए सच का साथ, जुड़िए हमारे साथ, रखिए अपनी पैनी नजर, हम हैं क्राइम सस्पेंस। नमस्कार।